दोस्तों सी लैंग्वेज के चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन को। ऑलरेडी स्ट्रिंग पे कई सारी वीडियोस बन चुकी है जिसमें बेसिक टू एडवांस सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई है। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो string.h यानी स्ट्रिंग फंक्शंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम आज समझेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन को। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें स्ट्रिंग कंपैरिजन का यूज किस लिए किया जाता है। इसका यूज किया जाता है कि अगर आपके पास दो स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में से आपको कंपैरिजन करना है कुछ बेसिस पे कि ये दोनों बराबर हैं या फिर इन दोनों में से एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग कंपैरिजन का यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर कि स्ट्रिंग कंपैरिजन का यूज हम क्यों कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग को कंपेयर यानी तुलना करने के लिए। इतना पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम इसे कंपेयर करते कैसे। देखो ये कंपेयर होता है ASCII कोड के भाव पे। आपने ASCII कोड के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इस तरह से। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम बात करें A की, तो A का ASCII कोड अलग होता है, R का ASCII कोड अलग होता है, जितने भी लेटर्स है उन सब का ASCII कोड अलग होता है। तो ये जो कंपेयर करता है वो उस ASCII कोड के भाव पे करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा एक वर्ड जो है राहुल, एक स्ट्रिंग ले लिया हमने, वो हो गया राहुल। तो हमने एक स्ट्रिंग लिया राहुल का और एक स्ट्रिंग लिया हमने अमन का। अब मुझे इसमें से कंपेयर करना है कि भाई राहुल बड़ा है या अमन बड़ा है। कहने का मतलब कि राहुल बड़ा है या अमन बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा राहुल। क्योंकि अगर आप आर को देखो तो आर जो है वो ए से काफी बाद में आता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ए का ASCII कोड है 65 और आर आ रहा है उसके काफी बाद में, तो ऑटोमेटिकली जो आर का ASCII कोड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कौन बड़ा है, राहुल बड़ा है। पॉइंट आया समझ में? तो इस तरीके से ये क्या करेगा कि दो वर्ड्स को यानी कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करेगा। अभी कंपेयर करने के लिए क्या होता है कि हमें एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर इस पूरे फंक्शन को स्टोर करना पड़ता है और फिर उस वेरिएबल को कंपेयर करना होता है जीरो के साथ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे जीरो से कंपेयर करते हैं। अगर वो जीरो के बराबर आ रहा है, इट मींस ये दोनों स्ट्रिंग आपस में बराबर है। अगर वो जीरो से नीचे जाता है, मतलब नेगेटिव में जाता है, इसका मतलब जो पहला स्ट्रिंग है वो दूसरे से छोटा है। और अगर वो जीरो से ऊपर जाता है यानी कि पॉजिटिव जाता है, इसका मतलब है जो दूसरी स्ट्रिंग है वो पहली वाली से क्या है, छोटी है। आ रहा पॉइंट समझ में? तो ये तीन बिहाफ पे हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप उस प्रोग्राम को देखो तब शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो नॉर्मली हम इस प्रोग्राम को देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारा फॉर्मेट हमने लिखा और इसके बाद मैंने यहाँ पे दो अरे लिए, एक लिया फर्स्ट नेम के नाम से, एक लिया सेकंड नेम के नाम से। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट में, जिसकी मदद से हम चेक करेंगे। तो मैंने इंट लिया और इसे मैं लिख दिया वेरिएबल चेक, चेक के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंटएफ से यूजर को कमांड दे रहा हूँ कि फर्स्ट नेम लिखे और गेट्स की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट लेंगे। इसके बाद हमने प्रिंटएफ की मदद से कमांड दी सेकंड नेम के लिए और गेट्स की मदद से हम इनपुट लेंगे। यहाँ तक का प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल। अब यहां से थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे आप ध्यान दो। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो चेक हमारा इंटीजर फॉर्मेट में जो वेरिएबल है चेक, इसके अंदर हमने इस फंक्शन को स्टोर कर दिया। कौन सा फंक्शन, स्ट्रिंग कंपैरिजन का। इसके अंदर सिंपल हमने फर्स्ट नेम कोमा सेकंड नेम, सिंपल दोनों अरे को हमने इस तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके बाद हमने यहाँ पे इफ कंडीशन डाली। इफ का यूज तो आपको पता ही है कि कंडीशन होती है कि अगर ऐसा है तो ये आउटपुट, अगर नहीं है तो ये आउटपुट। तो यहाँ पे हमने कंडीशन डाली कि जो हमारा ये चेक है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा फंक्शन स्टोर है, अगर ये इक्वल है जीरो के तो ये प्रिंट करेगा, अगर ये छोटा है जीरो के तो ये प्रिंट करेगा, और अगर ये बड़ा है जीरो से तो ये प्रिंट करेगा। सिंपल सा फॉर्मेट। अब यही पूरा प्रोग्राम हम टर्बो सी में करके देखेंगे और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले हम दो अरे लेंगे, तो जिसके लिए मैंने क्या किया, कैर लिखा यहाँ पे, और कैर लिखने के बाद एक हमने लिख दिया फर्स्ट नेम, और जिसका साइज मैं दे देता हूँ यहाँ पे 30, ठीक है, मैक्सिमम इतना हमने रख लिया। और एक मैंने दे दिया सेकेंड नेम, इसका भी साइज हमने उतना ही दे दिया 30, और इसको बंद करते हैं यहाँ पे, ये किया। अब मैं एक इंटीजर फॉर्मेट में एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो है चेक। इसके बाद नीचे आते हैं, यूजर को कमांड देते हैं प्रिंटएफ की मदद से, और हमने बोला कि एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है, ये हमने यूजर को कमांड दे दिया। अब ये कमांड देने के बाद हम क्या करेंगे, गेट्स की मदद से इनपुट लेंगे। तो गेट्स में हमने लिख दिया फर्स्ट नेम, और ये लिखने के बाद इसे यहाँ पे बंद किया। इसी तरीके से प्रिंटएफ की मदद से दोबारा कमांड देंगे कि एंटर सेकेंड नेम, और यहाँ पे हमने इसको बंद किया और फिर गेट्स की मदद से इनपुट ले लिया।
तो ये सिंपल सा वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पे, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है ये चीज क्या। अब आता है मेन टर्म, और वो मेन टर्म क्या है कि हम जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है चेक, उसके अंदर पूरे फंक्शन को स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा चेक, और चेक इक्वल क्या है मैंने यहाँ पे strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन। इसमें सबसे पहले लिखा मैंने फर्स्ट नेम, और फिर कोमा क्या लिख देंगे सेकेंड नेम। ये क्या हमने, इतना टेंशन खत्म, इतना काम हमने कर दिया। अब इफ की कंडीशन लगा देते हैं। तो इफ मैंने लिखा और मैंने बोला कि ये जो चेक है अगर वो इक्वल इक्वल है जीरो के, इक्वल इक्वल जीरो मतलब इक्वल है जीरो के, तो ये प्रिंट एफ करे, क्या प्रिंट करेगा ये, तो ये प्रिंट करे कि बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने किया। अगर ऐसा नहीं है तो यहां पे मैंने बोला एल्स इफ, और तब हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ। ऑप्स यहां पे कंडीशन तो दी नहीं मैंने, एल्स इफ किया और मैंने बोला अगर चेक लेस देन है जीरो के, मतलब जीरो से छोटा है, तो ये फिर प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा कि फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन अदर। तो हमने यहां पे ये लिख दिया। इसके बाद फिर हम एल्स इफ लिखेंगे, एक और कंडीशन देनी है क्योंकि हमें, और मैंने बोला कि अगर ये बड़ा है जीरो के तो यहां पे प्रिंट करें कि फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर। तो ये हमने लिखा, और ये लिखने के बाद F9 करेंगे तो प्रोग्राम एरर बता रहा है। एरर देखते हैं क्या है। अब यहां पे ये एरर दे रहा है कि इसका प्रोटोटाइप होना चाहिए। प्रोटोटाइप मतलब क्या, प्रोटोटाइप मतलब हमने इसकी लाइब्रेरी फाइल को मेंशन नहीं किया है। तो सिंपली यहां पे आप आओगे, और यहां पे आने के बाद जैसे कि मैं पहले की वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि इसकी लाइब्रेरी फाइल क्या है, स्ट्रिंग डॉट एच। तो ये हमने लिखा, F9 करते हैं, प्रोग्राम सक्सेस, कंट्रोल F9 किया। तो मैं पहला नाम लिख देता हूं यहाँ पे राज, ठीक है, या फिर राजन लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा राहुल। अब देखो उसमें जे है इसमें एच है, चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर, क्यों, क्योंकि जे जो है वो बाद में आता है, एच पहले आता है। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा जो हमने स्ट्रिंग लिया है वो क्या है, छोटा है, और पहला स्ट्रिंग क्या है, बड़ा है। अब इसके बाद दोबारा इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा राहुल, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा राहुल, तो बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। इसी की जगह दोबारा एक बार करके देखते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा मोहन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या लिखे, हम क्या लिखे, क्या लिखे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा राजन, एंटर। तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन अदर। सो आपने देखा कि बड़ा ही सिंपल यहाँ पे तरीके से हमने से किया, थोड़ा सा हार्ड है कोड, काफी लंबा है, बट आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए है। सो स्पेशली शॉर्टिंग से रिलेटेड है, जिसमें हमें इसे असेंडिंग डिसेंडिंग या इस तरह से चेक करना है, तो हम इसका यूज करते हैं। सो आई होप कि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।